नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याजी न्यूज़ और मैं सादिक इमाम न्याजी। सादिक इमाम न्याजी आज रोहतास के किला पे है और यहाँ पे बहुत सारे लोग, अकबरपुर और आसपास के लोग यहाँ पे आज इस किला में मौजूद हैं। लोग यहाँ पे बैठे हुए, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। इस वक्त मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इधर एक बार सारे लोगों का दिखा दें एक बार कि यहाँ पे बैठे हुए हैं और इस तरह से हमारे रोहतास किले के हसीन नज़ारे को, हसीन मंजर को, जो हमारा रोहतास किला है उसकी खूबसूरती को, आसपास के मंजर को, जो कि यहाँ की हरियाली है, जो यहाँ पर इस वक्त का नज़ारा है, उसे लोग देख रहे हैं। देखिए एक जुड़ गए हैं जी, मेरे दर्शकों को आप नाम बताइए, आपका नाम क्या है? इंतखाब आलम नाम है हमारा। वाओ, ये देखिए इंतखाब आलम है और बातों का इंतखाब इन्होंने क्या कर रखा है। इनका नाम इंतखाब है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? रोहतास अकबरपुर दारा टोली मोहल्ला। अच्छा, इंतखाब ये बताओ कि किला पे कितनी बार तुम आए हो? ये किला पे करीब हम चौथी दफा आए हैं इस बार। और देखिए मैं एक शेर के जरिए बता रहा हूँ, ये कर्ज कर रहा हूँ कि घरों में परिंदों के लिए पानी कौन रखता है? घरों में परिंदों के लिए पानी कौन रखता है? नए कमरे में चीजें पुरानी कौन रखता है? अरे हम ही हैं जो इस माजी के दीवारों को थामे रहे, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है? क्या बात है, क्या बात है, सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन, सवाल की तरफ आते हैं। और इतना हालात ख़राब है, इसके बारे में क्या कहिएगा? किला तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, लेकिन यहाँ का अगल बगल आप जा करके देखिए, हर तरफ गंदगी फैली हुई है, सरकार का कोई ध्यान नहीं है इस तरफ। ये अपने प्राचीन इतिहास का हमारा एक अनमोल धरोहर है, लेकिन इसको हर तरह से, हर जर्रे से नेस्ता नाबूद करने की कोशिश की गई है, गंदगी से। यहाँ कहीं पे टूट फूट गया है, कोई मरम्मत नहीं है। करीब आज से हम छोटे से आए हैं, 4-5 साल हो गया हमको देखे हुए, लेकिन अभी तक हमने यहाँ पे ज़रा सी भी मतलब कुछ तब्दीली नहीं देखी, बल्कि और डैमेज होते देखा है यहाँ पे, चीज़ें बर्बाद होते देखी है। कल कोई गुंबद टूटे हुए हैं तो कुछ पाया गिरा हुआ है, कोई शहन टूटा हुआ है, छत से पानी टपक रही है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दिन ब दिन इसका तो बदहाली जो हालात है, तो दिन ब दिन तो घटता जाएगा। जी हाँ, वो तो घटता ही जाएगा, साथ ही साथ यहाँ की खूबसूरती भी खत्म होती जाएगी। क्योंकि यहाँ के खूबसूरती का अनमोल धरोहर यही है किला, रोहतास किला, सब बिहार के। जी अगर ये बर्बाद हो गया तो फिर यहाँ का वजूद ही खत्म, टूरिस्ट प्लेस समझिए खत्म हो जाएगा यहाँ का। नहीं, सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे रोड का भी निर्माण होने वाला है, यहाँ रोपवे का भी काम, ये खबर कहाँ तक सही है, क्या सही है? ये तो करीब हम मैट्रिक में पढ़ रहे थे तब से सुनते आ रहे हैं, आज 2008 में हम मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए हैं, आज 2023 आ गया, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। बस सुनने में आ रहा है कि हाँ बनने वाला है, बनने वाला है, कब बनेगा पता नहीं। अब हमारे हम रहे देखने लायक कि नहीं, कि हमारे बच्चों के टाइम में बनेगा, कोई फ्यूचर नहीं है इसका। अच्छा, एक सवाल आपसे, ये लेकिन ये बताइए कि आपको इस किला पर, इस रोहतास किला पर सबसे खूबसूरत कौन सा चीज़ लगा आपको? हमको यहाँ का सबसे खूबसूरत शाह बहाउद्दीन अली शाह बाबा का मज़ार है, बहुत बेहतरीन नज़ारा है। वो एक समझिए कि पहाड़ी के आखिरी सिरे से लटका हुआ है, खुदा की कुदरत कहिए उसको, या मज़ार में लेटे हुए जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनका ये करिश्मा कहिए। और यहाँ का एक नदी बहती है, सावन सोत की नदी लोग बोलते हैं, माशाल्लाह उसकी खूबसूरती बहुत अच्छा है। लोगों का अभी भी बहुत ज़्यादा जनसंख्या में वहाँ पर भीड़ लगी होगी। आप उसी नदी की बात कर रहे हैं जो कि 1600 फीट की ऊंचाई से 0 मीटर तक जाता है? जी जी हाँ, उसी नदी की बात कर रहे हैं हम। आप करीब से जा करके कभी दिखाइए लोगों को, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है वहाँ का, ताकि लोगों को भी मालूम चले कि हाँ रोहतास में भी एक ऐसी जगह है जहाँ हम चैन सुकून से, मतलब यहाँ पर आकर के पूरा सुकून महसूस कर सके, ऐसा लगे कि हाँ हम कहीं आए हैं, रिलैक्स माइंड फ्रेश हो जाता है यहाँ आकर। तो जो बरसात के मौसम में होता है बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में रोहतास फोर्ट, रोहतास किला के बारे में और आसपास के मंजर के बारे में जो भी आपको बेहतर लगे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, रिक्वेस्ट एक बार रोहतास देख लेना। थैंक यू।